हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज हम इंडियन से रिलेटेड जो करंट जीके है, मतलब पॉलिटिक्स ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके सामने स्क्रीन पर लिख रहा है, ठीक है। ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन उठेंगे इस सेशन से, इस क्लास से, मेरी से, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में ये प्रॉपर तरीके से यहाँ से क्वेश्चन उठने वाला है। वो हर क्वेश्चन में क्लियर करता चलूंगा इस क्लास में जो आपके माइंड में आएंगे, ठीक है। तो ये जो आपके सामने है यूयू ललित जी, इनके बारे में जानेंगे। ये 49वें चीफ जस्टिस होंगे आप यूयू ललित जी। इससे पहले कौन थे, इसके बाद जो ये कौन से नंबर के थे, ये सभी चीजें जानेंगे हम। कौन थे, क्या नाम था उनका, जानिए क्या है सीजीए की बनने की प्रक्रिया, प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा। और जो यूयू ललित जी हैं, ये 74 दिन ही क्यों रहेंगे, ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे आज अपनी क्लास के अंतर्गत। और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सभी आर्टिकलों को, सभी अनुच्छेदों को हम जानेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपके सामने ये कल ही चैन मतलब कि न्यूज़ों में छा गया था, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं इस खबर को, इस टॉपिक को, इस करंट जो इंडियन जो पॉलिटी से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेट करके जो क्वेश्चन उठा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो एनडीटीवी में ये मैगजीन आपके सामने न्यूज़पेपर है, इसमें यूयू ललित टू बी नेक्स्ट चीफ जस्टिस एज नेम फॉर्मली शेयर्ड विल हैव 74 डे टेन्योर, ठीक है। मतलब 74 दिनों के लिए ही ये विराजमान रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, ठीक है। 49वें जज रहेंगे, आपके सामने दिख रहे हैं। इनके बारे में प्रॉपर तरीके से जानेंगे, कहाँ, कब, क्या सभी चीजें इन्होंने की हैं, ये क्यों क्यों इनको बनाया गया है, सभी चीजें जानेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले, सबसे पहले जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति कैसे होती है एक सीजीआई की, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं। तो पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के परम अनुसार की जाती है। अब कॉलेजियम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। तो कॉलेजियम के बारे में जान लेते हैं, कॉलेजियम की भूमिका, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ही के लिए होता है, इसमें इंटरफेयर नहीं होता किसी गवर्नमेंट का। कॉलेजियम ये अपना ही रूल है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें जान लेते हैं, किसी भी जज की नियुक्ति के लिए जो जैसे कि नॉमिनेशन में दिया जा रहा है, भारत के चीफ जस्टिस का परामर्श कॉलेजियम के अन्य 4 सीनियर जजों के परामर्श से प्रभावित होती है, ठीक है। 4 जज सिलेक्ट करेंगे किसी भी एक व्यक्ति जो नॉमिनेट करना है कि ये व्यक्ति है, ये जज बनेगा सीजीआई नेक्स्ट, ठीक है। चीफ जस्टिस की सिफारिश के बाद ये सिफारिश कानून मंत्रालय, जो लॉ मिनिस्टर होता है, उसके पास जाता है। कानून मंत्रालय के क्यों पास जाता है, क्योंकि जैसे कोई नॉमिनेशन हुआ है व्यक्ति, जैसे कि अभी यूयू ललित जी हुए हैं, तो कानून मंत्रालय के पास जाएंगे, इनके डॉक्यूमेंट वगैरह, इनकी वेरिफिकेशन होगी, या पीछे इन पर कोई केस वगैरह तो नहीं लगा, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद वो सिफारिश कानून मंत्रालय और न्याय विभाग के माध्यम से सीधा प्रधानमंत्री के पास पहुंचती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। प्रधानमंत्री इसमें अपनी राय का समावेश करके उसके और राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चक्री जाती है। फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इसकी घोषणा न्याय विभाग सचिव द्वारा की जाती है, और इसके बाद नोटिफिकेशन जारी की जाती है। नियुक्ति होने के लिए संबंधित न्यायाधीशों को अपना स्वस्थ प्रमाण पत्र देना होता है। इस प्रकार से सभी चीजें होती हैं, ठीक है। और एक जज के रूप में चुने जाते हैं, ठीक है। क्या क्या योग्यताएं होती हैं आपके सामने है, वो व्यक्ति भारत के होते हैं, भारत के होने चाहिए कम से कम 5 साल के लिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, ये सभी चीजें मैंने प्रॉपर तरीके से योग्यताएं दे रखी हैं। और किसी उच्च न्यायालय न्यायालय लगातार 10 वर्ष का अधिवक्ता रह चुका हो, मतलब एक्सपीरियंस हो उनके पास, ठीक है। वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय की प्रतिष्ठा अधिवक्ता होना चाहिए। और एक और बात लिखी है मैंने कि न्यायाधीश के लिए सेवा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, वह 65 वर्ष की आयु को पूरा होने तक अपनी सेवा जारी रख सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक थोड़ा सा मुझे बताना था कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि सीजीआई रिटायर हो रहे हो, ठीक है, तो कोई एक जज ऐसा है जिसकी उम्र 63 साल है और वो 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा है, ठीक है, जबकि दूसरा जज जो उम्र में 62 साल है लेकिन 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा है। यहां मैं आपको बता देता हूँ क्या बात है, 63 साल का कोई जज है, कोई व्यक्ति है, लेकिन वो 5 साल से एक्सपीरियंस है उसके पास, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में काम करने, लेकिन एक 62 साल का है और लेकिन 6 साल उसका एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। जो 4 चुने रहे हैं ना वो जज, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से चुनेंगे, ये इंपॉर्टेंट, ये क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में, ना कि एज के हिसाब से, भाई 63 साल का तो इसको ले ली, नहीं, यहाँ पर एक्सपीरियंस देखा जाएगा, ठीक है, माइंड से क्लियर होगी बात, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 124 के तहत इन चीफ जस्टिसों को नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति सलाह मानने के बाध्य नहीं होते, ये भी बात एक मैन निकल के आती है इस चीज में से, ठीक है। तो आपके समझ में ये आ गई होगी जो मैंने बताने की कोशिश की है पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब पहले जान लेते हैं पहले 3 सीजीआई
कैसे होते हैं, आपको समझ में आएगा सीजीआई कैसे चुना जाता है, किस प्रक्रिया से, कौन कौन सी योग्यता है, सभी चीजें मैंने आपके डाउट क्लियर कर चुका। आर्टिकल मैंने दे रखे हैं लास्ट में, उनको भी करवा दूंगा, ठीक है। पहले तीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, क्रम से मैंने लिख रखे हैं, पहले हीरा लाल जी थे, ठीक है। इनके समय में प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, वो तो आपको पता होगी, सबसे लंबे कार्यकाल के समय रहे, 1962 तक रहे आजादी के बाद, ठीक है। दूसरे शास्त्री साहब जी हैं और तीसरे मेहरचंद महाजन जी हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्रम वाइज आप याद कर सकते हो। एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लेकर के और आते हैं, सबसे ज्यादा कार्यकाल किस का रहा है, किस जज का रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चीफ जस्टिस का, ठीक है, सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो ये यशवंत विष्णु जी, ठीक है, इन्होंने 7 साल 139 डेज मतलब दिन काम किया है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम कार्यकाल रहे हैं वो है कमल नारायण सिंह जी, ये 17 दिन ही इन्होंने कार्यकाल का पद पद पर बैठे थे ये सुप्रीम कोर्ट के। ये आपके सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्रम वाइज मैं आपको बता चुका हूँ। और सबसे ज्यादा कार्यकाल कौन रहे ये बता चुका हूँ, सबसे कम कार्यकाल पर कौन रहे ये सभी चीजें बता दी मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब जानते हैं ये यूयू ललित जो है कौन है क्या है, ये सभी चीजें जान लेते हैं, ये क्यों। और एक बात और बताऊं कि ये सीधा वकील से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वकील थे और सीधा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है, पहले व्यक्ति कौन है इनको मैं बताऊंगा आपको। तो पहले उससे पहले इनको पूरा नाम जान लेते हैं, यूयू ललित, इनका नाम है उदय उमेश ललित, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे और मौजूदा मुख्य न्यायालय एन वी रमन्ना जो 48वें नंबर के चीफ जस्टिस है इस समय, ठीक है, जिनका कार्यकाल 27 अगस्त को समाप्त हो रहा है, ठीक है। जस्टिस ललित देश के 49वें चीफ जस्टिस होंगे और उनका कार्यकाल 3 महीने सिर्फ होगा, जैसे मैंने बताया 74 दिन रहेंगे। और जस्टिस ललित ये 3 तलाक के लिए और कई मतलब मामले हैं इनके, मैं पीछे डिस्कस करूंगा। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं कि 3 महीने कम का कार्यकाल होगा, जस्टिस ललित का कार्यकाल 3 महीने से भी कम होगा, इस साल नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। और वरिष्ठ वकील रहे ललित, 9 नवंबर 1957 को पैदा हुए ललित ने 1983 में बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी, उन्होंने 1985 तक यहाँ वकालत की और इसके बाद 1986 में दिल्ली आ गए थे। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया था। 2G स्पेक्ट्रम केस ललित सीबीआई की तरफ से विशेष अभियोजक बने रहे और जस्टिस ललित 8 नवंबर 2022 को अपने पद को रिटायर हो जाएंगे, ये भी रिटायर होने की डेट आ चुकी है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब एक बात और देखिए कि वकील से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का इनका कार्यकाल देख लो, जस्टिस ललित के सीधे वकील से सुप्रीम कोर्ट के जज में नियुक्त किया गया है, वह वकील से देश के चीफ जस्टिस बनने वाले दूसरे न्यायाधीश होंगे। पहले कौन थे, M.M. सीकरी जी, 1971 में बने थे और 13वें चीफ जस्टिस बने थे, ठीक है, उस समय। समझ में आ गई ना क्या कह रहा हूं मैं, क्या समझा रहा हूं मैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वकील से सीधा सुप्रीम कोर्ट जज बनने जा रहे हैं, ये दूसरे व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति M.M. सीकरी साहब 1971 में, जो कि 13वें जज बने थे, ठीक है, वह भी सीधा वकील से बार से सीधा सुप्रीम कोर्ट के जज बने गए थे, ठीक है। ऐतिहासिक फैसले क्या है इसमें, इनके ऐतिहासिक फैसले रहे हैं 2G स्पेक्ट्रम केस है, अगस्त 2017 में 3 तलाक से, और पॉक्सो में एक और एक्ट आया था सेक्शन 7 को लेकर के, यौन प्रतिपीड़ना, ये इनके इन केसों के लिए बहुत चर्चित रहे हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने सभी चीजें आपको बता दी है प्रॉपर तरीके से, इनके विकिपीडिया आपको मैंने पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, क्लास के बाद ही आप देख सकते हो, खूब अच्छे तरीके से इनको एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हो अपनी, ठीक है। और अनुच्छेद मैं बता दूं, इनके टोटल जो अनुच्छेद होते हैं टोटल 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, ये प्रॉपर तरीके से, जैसे कि आर्टिकल 124 है उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन करता है, 125 इसमें न्यायाधीशों का वेतन की बात करता है, ऐसे ही कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, इसमें भी कई पॉइंट है, 124 1-2 कई पॉइंट है, वो प्रॉपर तरीके से मैं जिस दिन अपनी पॉलिटी चलेगी उस समय प्रॉपर तरीके से हर चीज को एनालिसिस करता चलूंगा, जैसे ऑन यूट्यूब पर नहीं कहीं किसी संस्था और पर, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से मैंने आर्टिकल दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। और ये सभी 132-133 सभी दे रखे हैं मैंने, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी, ठीक है, 147वां यहाँ पर है, ठीक है, आप कभी देखने लोगो, ठीक है, 146 दे रखे, तो आपके सामने सभी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आई हो, किसी भी जो भी कोई भी टॉपिक से या कोई भी स्लाइड आपको समझ में ना आई हो, तो प्रॉपर तरीके से आप मुझे बता सकते हो, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आज का सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, मुझे बस जहां से क्वेश्चन उठेगा वहां से क्वेश्चन पॉइंट वाइज करके मुझे बताना आपको बस। ठीक है, मेरा मेन यही मुद्दा रहता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।